Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. This is Sir Naseem Zulfikar, and today I am going to solve the paper of Government College Form in Azimabad. And this paper is secondary English. Jo prelim paper hua hai iska, to iske MCQs aur section B aur C yahan par main discuss karunga. To aapki examination point of view se kafi important hai. Isliye lecture to isme practice aapki ho jayegi. तो इसका जो पीडीएफ है बाकी इस कंप्लीट पेपर का वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा उसके लिंक, वहां से आप उसको डाउनलोड भी कर सकते हैं. ठीक है, तो एमसीक्यूज स्टार्ट करते हैं. पहले तो ये 20 एमसीक्यूज हैं. फर्स्ट है द डे दैट एम ब्रोक इज आल्सो नोन एज डैश, सो इट इज आल्सो नोन एज द आफ्टरनून ऑफ अ ग्रेट रन, बी ऑप्शन. नेक्स्ट है सेकंड है व्हाट वर द विलन्स ऑफ द प्रिजनर ऑफ जेंडा कलेक्टिवली कॉल्ड. तो प्रिजनर ऑफ जेंडा के विलन्स को हम कहते थे द सिक्स, चूंकि वो छह स्काउंडल्स थे, ये गैंग ऑफ रफियंस जो था. थर्ड है थिंग ऑफ ब्यूटी द जॉय फॉर एवर इज रेफरेंस टू वर्ड्स हेलन ऑफ ट्रॉय एफ्रोडाइट नेचर स्प्रिंग सीजन. तो थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर, एक खूबसूरती की चीज जो है वो हमेशा की खुशी होती है. तो इसका ताल्लुक किस रिफ किससे दिया जा रहा है, तो यहाँ पर नेचुरल ब्यूटी से इसकी मुराद ली जा रही है, दैट इज नेचर, सी ऑप्शन. जॉन कीट्स की पोम है ये. फोर्थ है एन ऑनररी डिग्री वॉज अवॉर्डेड टू शहीद मिल्लत लियाकत अली खान बाय कंसास स्टेट यूनिवर्सिटी, बी ऑप्शन. फाइव है हाउ डिड थर्बर एंड द फैमिली इन कैप्टेट द ग्रैंड फादर. तो दे स्टन हिम विद आयरनिंग बोर्ड, तो आयरनिंग बोर्ड से जो है वो अपने ग्रैंड फादर को स्टन किया था जेम्स थर्बर ने. सिक्स है वाई वॉज नेपोलियन सरप्राइज टू सी द राइडर इन द पोम सेंट ऑफ द फ्रेंच कैंप. आई थिंक ये जो एम सी क्यूज है ये फर्स्ट के एम सी क्यूज है जो गलती से उन्होंने इसमें डाल दिए, तो ये फर्स्ट ईयर में था ओल्ड बुक में इंसिडेंट ऑफ फ्रेंच कैंप, ये उसके एम सी क्यूज है. तो ये आउट ऑफ द सेकेंड ईयर नहीं है, लेकिन मैं इसका आंसर बता देता हूँ कि नेपोलियन क्यों सरप्राइज हुआ था इंसिडेंट ऑफ फ्रेंच कैंप में राइडर को देख कर. Because the rider was standing on the back of a running house, the rider was very young boy, D option. Seventh, according to Bertrand Russell, the dark age should more appropriately be referred to Christian Europe, C option. Ye reflections on the re-weakening East se liya gaya. Eighth, in the poem Solitary Reaper, the poet saw the reaper in a group of six and working in the field in a group of six. No, this is actually as a single girl working in the field. That's why the first line was behold her single in the field, yawn solitary silent lass. Ninth, in the drama Axe of the Silver Box, Jack Bartwick had stolen a woman's purse. ठीक है, pink color का जो था. Tenth, Einstein believes that every man should be respected and no man should be, this is idolized. ठीक है, D option. The world as I see it से लिया गया MCQs है. 11th, Miller claimed to be the best friend of Hans. Devoted friends से MCQs लिया गया. 12th, it hope for you fear would be liars, C option. Say not just a girl not a village से लिया गया MCQs है. 13th, reflections on the reawakening east is an essay by Bertrand Russell, easy. 14th, Endymion is a poem of John Keats, poet का नाम है. 15th है Alexander Pope used the example of a dash in his poem An Essay on Man to reinforce the point that ignorance of one's फ्यूचर इज अ ब्लेसिंग टू बोथ मैन एंड एनिमल. तो लैम की एग्जाम्पल उन्होंने दी है, बी ऑप्शन, भेड़ का बच्चा. नेक्स्ट एमसीक्यूज है, थोड़ा ब्लर है आई थिंक सो, बट आई थिंक यू कैन मैनेज इट. 16th है एन ऑनररी डिग्री वॉज अवॉर्डेड टू शहीद मिल्लत लियाकत अली खान बाय, आई थिंक ये रिपीट हो गया है, द यूनिवर्सिटी ऑफ कंसास. नेक्स्ट है वॉर सीम्स टू मी अ मीन कॉन्टेम्पटेबल थिंग, आई वुड रेदर बी हैक्ड इनटू पीसेस देन टू टेक पार्ट इन दिस अबोमिनेबल बिजनेस, दिस इज कोटेड बाय अल्बर्ट आइंस्टाइन इन द वर्ल्ड एज आई सी इट. 18th है से नॉट द स्ट्रगल नॉट अ विलेथ हाईलाइट्स द इम्पोर्टेंस ऑफ करेज होप दैट इज परसिवरेंस. तो से नॉट द स्ट्रगल नॉट अ विलेथ में यहाँ पर जो है वो परसिवरेंस के बारे में बात की जा रही है, कि इंसान अपने काम में डटे रहे और से पीछे ना हटे.
19th है, थिंग ऑफ ब्यूटी द जॉय फॉर एवर इज रिफ्रेश वर्ड्स नेचर, ये रिपीट हो गया दोबारा। 20 है पाकिस्तान एंड द मॉडर्न वर्ल्ड द टेक्स्ट ऑफ अ स्पीच बाय लियाकत अली खान, बी ऑप्शन। ठीक, बाकी सेक्शन बी में क्वेश्चन आंसर्स हैं। सेक्शन सब सेक्शन टू हमारा है, इसमें पोम्स के क्वेश्चन आंसर हैं। सब सेक्शन थ्री है, इसके अंदर जो है वो नॉवल के क्वेश्चन आंसर्स हैं। इसके अलावा अब आते हैं हम सब सेक्शन दैट इज फोर में, जो ग्रामर है। ठीक है, तो उसके अंदर हमारे पास फ्रेजल वर्ब्स हैं, टू ब्रिंग डाउन, टू मेक आउट, टू गेट अक्रॉस, टू ब्रेक ऑफ, टू टेक टू टास्क, स्प्लिट अप। ठीक है, तो ये हमारे पास इसमें से किसी तीन फ्रेजल वर्ब को हमें जो है अपने सेंटेंस में यूज करना है, देन उसके बाद पेयर ऑफ वर्ड्स को अपने सेंटेंस में इस्तेमाल करना है। ये इफेक्ट इसके मतलब असर करना, और ये इफेक्ट नाउन इसके मतलब सिर्फ असर होता है। करियर और करियर, करियर मतलब इंसान की प्रोफेशनल लाइफ, एंड करियर मींस लाइक जो बाइक का करियर होता है। डेजर्ट सिंगल एस से आए तो मतलब रेगिस्तान, डबल एस से आ जाए इट मींस कुछ स्वीट डिश। अल्टर, ये अल्टर इसके मतलब कोई ऊंची मेज वगैरह। ठीक है, आई थिंक दोनों सेम लिखा हुआ है, एक में ई होना चाहिए था, अल्टर मतलब सब तब्दील करना। बाय, ये वाला बाय जो होता है खरीदना, ये वाला बाय जो होता है मींस खुदा हाफिज। चेक, दिस चेक इज चेक करना किसी चीज़ को, आइदर इट इज़ राइट और रॉन्ग, और ये चेक जो है वो जैसे बैंक वाला चेक है पैसे निकालने के लिए यूज़ किया जाता है। मीनिंग्स लिखने हैं, टेक्सुअल मीनिंग है। फाइव ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स और फ्रेजेस के मीन एंड कॉन्टेम्पटेबल। ठीक है, मीन ऑन कंटेम्पटेबल से हमारे यहाँ आप यहाँ पर है सेल्फिश। ब्लैक स्ट्रीम्स ऑफ पीपल मीन्स यहाँ पर क्राउड कहा जा रहा है। डूम टू ब्लीड इसके मतलब यहाँ पर है डेथ है, मर जाना। चौंट, चौंट मतलब होता है चहचहाना, दैट इज चिरप, चिरपिंग करना। एंटेगोनिस्ट, एंटेगोनिस्ट मतलब होता है यहाँ पर विलेन, विलेन इज एंटेगोनिस्ट। ड्यूब्स, ड्यूब्स के मतलब होता है धोखेबाज, दैट इज चीटर। बाउंड ऑन बाउंड मीन्स होता है फास्ट, फास्ट पेस। ये भी आई थिंक ये इंसिडेंट ऑफ फ्रेंच कैम्प से लिया गया, जो फर्स्ट रे की पोम है। बबल रेपुटेशन इसके मतलब होता है टेम्प्रोरी रेपुटेशन, टेम्प्रोरी फेम। सेंस एवरीथिंग मतलब होता है लॉस एवरीथिंग, सब कुछ खो देना। ठीक है, तो ये उसके टेक्सुअल मीनिंग्स हो गए। नेक्स्ट है मेक वर्ब्स फ्रॉम द फॉलोइंग वर्ड्स, वर्ब बनाना है। डेंजर, ये हो जाएगा इन एंड डेंजर एनिमी। ठीक है, वर्ब बनाना है तो दैट इज ब्रेथ, टाइड, स्पीड। स्पीड का तो हो जाएगा स्पीडीनेस, तेजी। टाइड इसका हो जाएगा टायर, या टायर्डनेस कह सकते हैं, दिस इज टायर्डनेस। ब्रेथ, ब्रेथ में क्या होता है ई लगा देता है एंड में, तो ये हमारा जो है उसका जो है वो ये वर्ब बन जाता है। ठीक है, तो वर्ब ऐसे टाइट तो पहले से वर्ब था, तो आई थिंक ये इसमें मेक वर्ब्स फ्रॉम द फॉलोइंग वर्ड्स, इसमें कोई मिस्टेक है क्वेश्चन के अंदर। इसके बाद ये हमारे पास नरेशन है। ठीक है, तो माय फ्रेंड सेड टू मी डू यू थिंक दैट इट विल रेन टुडे, तो हो जाएगा कि माय फ्रेंड सेड टू मी है, तो ये हो जाएगा आस्क्ड मी इफ आई थॉट इट, इफ आई थॉट, तो ये डू यू थिंक है, तो ये इफ आई थॉट हो गया, इट वुड रेन दैट डे। ठीक है, तो ये उसका बन गया। सेकंड है स्टॉप टॉकिंग द टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स, तो ये हो जाएगा द टीचर ऑर्डर्ड द स्टूडेंट्स टू स्टॉप टॉकिंग। नेक्स्ट है कम गिव मी अ हैंड विद दिस टेबल, हिज फादर सेड टू फारूक, तो सिंपल हिज फादर ऑर्डर्ड फारूक
to go and give him a hand with that table. And give him a hand with that table. Next, my friend said, don't you just love the rain in the morning? So, simple iska ho jayega ke my friend asked if I didn't just love the rain in the morning. Just love the rain in the morning. Next, he said, what a superb cricket match that was. He exclaimed with wonder that had been a superb cricket match. That had been a superb cricket match. तो ये सारे narration मैंने इसको solve कर दिया direct to indirect. इसके बाद last question हमारे पास यहाँ पर है. This is actually passage का question है. ठीक है. इसके अंदर give meaning of the following words है. Submit करना, backing, enthusiasm तो हम जोश को कहते हैं, that is spirit. Backing के लिए ऊपर आप इससे meanings निकाल लेंगे, sense के लिहाज से जो चीज आ रही होगी. तो to have for Mrs. Nightingale was known to have powerful official backing. Backing मतलब यहाँ पर back support. ठीक है, that is support हो गया. Submit का मतलब होता है submit कराना, जमा कराना. ठीक है, like to submit कराना means होता है जमा करना किसी चीज़ submit कर देना, letter वगैरह जो submit करते हैं. ठीक है, तो put के मायने में हम इसको ले सकते हैं. ठीक है, identify parts of speech in the following words. Scutery received तो verb हो गया. Foolishness हमारा this is the noun. Ness आ गया इसके end में. Then this is scutery. I think capital letter से लिखा हुआ है, तो I think this will be the noun. ठीक है, तो ये complete हमारा जो है वो ये हो गया. That is Foreman College का paper जो है वो overall हमने यहाँ पे discuss कर लिया. तो I hope so कि इसमें आपको जो है वो चीज़ें समझ में आ गई होंगी. So my name is Sir Naseem Zulfikar. अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को आप मेरे सब्सक्राइब कर दें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दें. इस वीडियो को लाइक कर दें. अगर आप मेरी फिजिकल क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं तो ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इस पर आप मुझसे कोऑर्डिनेट कर सकते हैं. तो ये फिजिकल क्लासेस के लिए दिस इज द व्हाट्सएप नंबर. ठीक है, तो बेस्ट ऑफ लक तमाम स्टूडेंट्स को अपने एग्जाम्स के लिए. टेक केयर ऑफ योर सेल्फ. अल्लाह हाफिज़.